रामपुर गांव की पाठशाला में टीचर जी बच्चों को पढ़ा रही थी। कुछ दिनों से टीचर जी की सबसे मेधावी छात्रा कमला पढ़ने के लिए नहीं आ रही थी, इसीलिए टीचर जी ने कक्षा के बच्चों से पूछा, अरे श्याम बेटा, आजकल कमला पढ़ने क्यों नहीं आती, क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं टीचर जी, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। उसका घर मेरे घर से बहुत दूर है, आप सीमा को पूछ लो, वो उसके पड़ोस में ही रहती है। क्यों सीमा, तुम्हें कमला के बारे में कुछ पता है? आजकल वो स्कूल क्यों नहीं आती? वो टीचर जी, उसकी ना शादी होने वाली है। शादी होने वाली है? लेकिन वो तो अभी सिर्फ 8 बरस की है, इतनी कम उम्र में कौन शादी करता है? नहीं टीचर जी, मैं सही कह रही हूँ, कल ही उसकी अम्मा ने हमारी अम्मा से कहा था कि अगली पूनम को सीमा का ब्याह है। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम पढ़ाई करो, शाम को मैं खुद जाकर उसके घर वालों से पता करने की कोशिश करूंगी। क्लास की सबसे बुद्धिमान लड़की है वो, अगर उसके घर वाले उसकी इतनी कम उम्र में शादी कर रहे हैं तो ये तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे उनसे बात करनी होगी। शाम के वक्त टीचर जी कमला के घर जाती हैं और कमला के माता पिता से बात करती हैं। अरे टीचर जी, आप यहाँ आइए आइए, बहुत अच्छा किया, सही वक्त पर आई हैं। अरे कमला के बापू, देखो कौन आया है। अरे टीचर जी, आप यहाँ आइए, कमला की अम्मा जल्दी से जाकर टीचर जी के लिए मिठाई ला, इतने सही वक्त पर आई हैं ये। नहीं नहीं, मैं यहाँ मिठाई खाने नहीं आई, मैं तो बस ये देखने आई थी कि एक सप्ताह होने को आया, कमला बिटिया स्कूल नहीं आ रही है, सब ठीक तो है ना? अब आपको क्या बताएं टीचर जी, हम अपनी बिटिया का ब्याह पक्का कर दिए हैं, अगली पूनम को उसका ब्याह है। ये आप क्या कह रहे हैं, कमला तो सिर्फ अभी 8 साल की है, आप इतनी कम उम्र में उसकी शादी नहीं कर सकते, ये कानूनी तौर पर अपराध है। अरे टीचर जी, आप काहे परेशान होती हैं, ये लीजिए आप मिठाई खाइए, और हम तो आपको ब्याह में न्योता देने वाले थे। और रही बात बिटिया के ब्याह की, तो ये हमारे समाज का नियम है, हम इसे नहीं तोड़ सकते। आप उसकी माँ होकर ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या आप जानती नहीं, इतनी कम उम्र में शादी करके आप उसकी हेल्थ और उसके आने वाले जीवन के लिए कितना बड़ा खतरा मोल ले रही हैं? देखिए टीचर जी, हमारे समाज में 10 बरस से पहले लड़का लड़की का ब्याह कर दिया जाता है, ये हमारे मान सम्मान का मामला है। कौन से मान सम्मान की बात कर रहे हैं आप, कच्ची उम्र में विवाह करना आपके लिए आपके सम्मान का विषय कैसे हो सकता है? अब आपको क्या बताएं, हमारे समाज की ये प्रथा है और हम इसके विरुद्ध नहीं जा सकते, और हम खुद भी इसे सही मानते हैं। आप शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी नज़र में ये गलत हो सकता है, लेकिन हमसे पूछिए, हमारे लिए तो ये बहुत शान की बात है कि हमारी बिटिया का 10 बरस से पहले ब्याह हो रहा है। हाँ टीचर जी, बच्चों का ब्याह जितनी कम उम्र में हो जाए उतना ही ठीक रहता है, नहीं तो बड़े होकर कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ गलत काम कर ले, तो समाज में नाक कटाने के अलावा कुछ नहीं बचता। आप गलत कर रही हैं, आपको समझना चाहिए, आप जानते हैं बाल विवाह करने के लिए आपको सजा भी हो सकती है। अब हम किसी सजा से नहीं डरते, ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारे समाज और हमारे देवी देवताओं की वर्षों से चली आ रही परंपरा को हम ठुकरा नहीं सकते। टीचर जी के लाख समझाने के बाद भी कमला के माता पिता उनकी बात समझने को तैयार नहीं थे। टीचर जी ने बहुत कोशिश की, उन्होंने गांव के अन्य कई लोगों से भी बाल विवाह रोकने के लिए बातचीत की, लेकिन किसी ने उनकी बात का समर्थन नहीं किया। तभी टीचर जी की मुलाकात गांव के 25 साल के युवक मोहन से हुई। मोहन शहर में नौकरी करता था और कुछ दिनों के लिए गाँव आया हुआ था। एक दिन सुबह के वक्त, नमस्ते मैडम, मैंने सुना है आप गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर से यहाँ आई हैं। आप सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी धन्यवाद, वैसे आप कौन हैं? पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं। मैं यहाँ नहीं रहता, शहर में नौकरी करता हूँ और कभी कभार यहाँ पर आता हूँ, यहाँ हमारी कुछ जमीनें हैं, बस उन्हीं के काम के लिए यहाँ आया था। आप मुझे पढ़े लिखे और समझदार इंसान लगते हैं, इसीलिए आपसे एक बात करना चाहती हूँ। यहाँ गांव के लोग अपने बच्चों का बहुत कम उम्र में विवाह कर देते हैं, क्या आप उन्हें समझाने में मेरी मदद करेंगे? गांव के लोग इस मामले में आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे मैडम, बाल विवाह की प्रथा यहाँ पर सदियों से चली आ रही है, ये लोग किसी की नहीं सुनते। मोहन की टीचर जी से मुलाकात के अगले दिन ही गांव में एक दुखद हादसा हुआ। इसी गांव की लड़की रम्या का बाल विवाह हुआ था और विवाह के 1 साल के भीतर ही उसकी अस्पताल में मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि रम्या के कम उम्र में गर्भ ठहर जाने के कारण उसकी मौत हुई थी। टीचर जी ने गांव के लोगों को पंचायत में बुलवाया। जैसा कि आप सब गांव वालों को पता है, हमारे गांव की रम्या की मौत हो गई है, और इसीलिए टीचर जी आप सबसे कुछ बात करना चाहती हैं। पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हमें बच्चों का बाल विवाह नहीं करना चाहिए,
रामिया की मौत बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों का ही एक उदाहरण है। देखो भाइयों, पिछले कुछ दिनों से यह टीचर जी हमारे गांव में बाल विवाह को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह हमारी परंपरा है। हम सबको मिलकर टीचर जी को वापस उनके शहर भेज देना चाहिए। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। सारे गांव वाले एक साथ, हाँ हाँ, हमारे गांव में ये सब नहीं चलेगा, हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ सकते हैं। गांव के सभी लोग टीचर जी की बात का विरोध करते हैं और काफी उग्र हो जाते हैं। और वैसे भी आपके पास इसका क्या सबूत है कि रमिया की मौत उसकी कच्ची उम्र में शादी की वजह से हुई है? तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और उसके साथ में गांव के अस्पताल के डॉक्टर साहब भी। शांत हो जाइए आप लोग, इस तरह टीचर जी पर गुस्सा करके और उन्हें नुकसान पहुंचाकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं अपने साथ डॉक्टर साहब को लेकर आया हूं, वही आपको सच बताएंगे। जी हाँ, मोहन और टीचर जी सही कह रहे हैं। इस तरह कम उम्र में अपनी बच्चियों की शादी करके हम उन्हें मौत के मुंह में ढकेलते हैं। मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को बाल विवाह रोक देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके पास रमिया की मौत किस वजह से हुई है इसका क्या सबूत है? ये देखिए, मेरे पास रमिया की मेडिकल रिपोर्ट है, आप जहाँ चाहें वहाँ दिखाकर पता कर सकते हैं। उसके साथ क्या हुआ था समझने की कोशिश कीजिए, कई बार हमारी परंपराएं गलत भी हो सकती है। कमला के पिताजी, क्या आप अपनी कमला की जिंदगी को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है? क्या आप भी चाहते हैं कि जो रमिया के साथ हुआ वो कमला के साथ भी हो? और हाँ, रमिया का केस अब शहर तक पहुँच चुका है, उसके घर वालों और ससुराल वालों को जेल की सजा होगी। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, रमिया की मौत होने के बाद ये केस पुलिस केस बन गया है और बाल विवाह का मामला होने की वजह से इस पर कानूनी कार्यवाही होने जा रही है। टीचर जी, डॉक्टर साहब और मोहन, मैं इस गांव का सरपंच होने के नाते आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं इस कुरीति को अपने गांव से जल्द मिटा दूंगा। आप लोग सही कह रहे हैं, मैं भी अपनी बिटिया कमला का ब्याह नहीं करूँगा।